हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर निकल करके आ रही है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ पे एक बड़ी बल्क डील यहाँ पे हमें होती हुई दिखाई दी, जिसका डाटा यहाँ पे चौंकाने वाला है। एक बड़े एफआई ने बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे माल बेचा है। तो कौन सी प्राइस पे माल बेचा है और कितने परसेंट यहाँ पे माल बेचा है, कितने शेयर बेचे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताना चाहूंगा। और साथ ही साथ आगे जाकर के इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप माल लेकर के रखे हो या तो फिर माल लेने की सोच रहे हो, तो आपको क्या रणनीति रहनी चाहिए, उन सब के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की यहाँ पे सिचुएशन देखें तो फ्राइडे को उसकी क्लोजिंग यहाँ पे देखे 192 रुपये 30 पैसे पे हुई थी। 1 रुपये ऊपर 0.55% की तेजी हमें देखने को मिली थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में। यहाँ पर कारोबार कैसा रहा था उसके बारे में भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सर्च मार के रखा है 192 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग। हाई देखे 195 रुपये का और लो 188 रुपये 90 पैसे का। क्वांटिटी देखे यहाँ पे ट्रेडेबल 1,44,52,000 शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, जिसमें से बात करूँ तो 23,33,000 शेयर की डिलीवरी, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी निकल करके आ रही है वो 16.15। तो यहाँ पे कारोबार थोड़ा बहुत कम लग रहा है, हालांकि मैं 25% की डिलीवरी को अच्छा मानता हूँ, तो 16% की डिलीवरी है तो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हमें दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में सिचुएशन कैसी रही है यहाँ पे आपको पता होगा कि पिछले काफ़ी दिनों से इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में गिरावट की सिचुएशन ही नज़र आई है। तो गिरावट कितनी हुई है वो बताना चाहूँगा। 1 वीक की टाइम होराइजन पे यहाँ पे हमें 5% से आसपास ये डाउन दिखाई दे रहा, और 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ में बहुत अच्छा करेक्ट हो चुका है, 17% से भी ज़्यादा के हमें नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। 1 साल की टाइम होराइजन पे यहाँ पे देखोगे तो अभी भी आपके पैसे को डबल किया है, और यहाँ पे 5 साल की टाइम होराइजन पे यहाँ पे 70% के माइनस रिटर्न है। पिछले कुछ सालों की बात करें तो बहुत मुश्किल से गुजर रहा था, परंतु धीरे धीरे यहाँ पे सिचुएशन अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। देखोगे तो 3.69 और इंडस्ट्री का पी देखोगे 38.29, तो इंडस्ट्री के पी से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और पी बी रेशियो की भी बात देखें तो 0.51, जबकि सेक्टर का पी बी रेशियो लगभग लगभग 3% का है। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 16.12% की डिविडेंड यील्ड है, जबकि सेक्टर की 96.86% की डिविडेंड यील्ड यहाँ पे निकल करके आ रही है। तो डिविडेंड में तो इतना अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली जो कंपनी अभी मुश्किलों से गुजर रही है, यहाँ पे लिक्विडिटी की समस्या से गुजर रही है, वो डिविडेंड भला कैसे दे सकती है। यहाँ पे फोरकास्टिंग की बात करें तो 33% एनालिस्ट है जो इसमें अभी भी बाइंग की रिकमेंडेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आपको न्यूज पे ले चलूँ, आपको इंटरेस्टिंग डाटा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए कि पिछले 3 महीनों से, यहाँ पे देखिए पिछले 3 महीनों से म्यूचुअल फंड ने लगभग लगभग 1.84% की होल्डिंग को बढ़ाया है। मतलब कि पिछले 3 महीने से म्यूचुअल फंड इसमें नेट बाइंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी मैं आपको न्यूज पे लेके जाके क्या न्यूज है उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। न्यूज आपके सामने, अरबी ग्लोबल पेयर स्टेक इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। तो अरबी ग्लोबल जो कि एफआई है, एक फॉरेन इन्वेस्टर है, उसने यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 30.80 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे बेचे हैं। और यहाँ पे वो हिस्सेदारी की बात करें तो 0.66% की हिस्सेदारी उन्होंने कट करी है। ये बल्क डील हुई थी 8 अप्रैल 2021 को, और यहाँ पे जो प्राइस पे माल बेचा गया है वो 192 रुपये 70 पैसे के आसपास यहाँ पे इसने माल बेचा है। तो अपने आप में चौंकाने वाली खबर है, इंटरेस्टिंग खबर है, जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता था। अभी मैं आपको चार्ट पे लेके जाके क्या रणनीति होनी चाहिए, कौन से लेवल पे आपको ध्यान रखना है, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे चार्ट आपके सामने 1 डे की टाइम होराइजन पे हम यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए 190 के आसपास एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे पिछले बार देखे तो यहाँ पे काफ़ी बार संभलने की कोशिश करी, उसके बाद यहाँ पे भी बढ़िया सपोर्ट लिया, और उसके बाद अभी भी यहाँ पे संभलने की कोशिश कर रहा है। तो 190 का जो लेवल है मुझे लगता है बहुत ही क्रिटिकल लेवल है। अगर 190 का टूटा तो नीचे 170 का लेवल आ सकता है, जो कि पिछली बार यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करी थी, तो यहाँ पे सपोर्ट कहीं ना कहीं ले सकता है। ऊपर देखें तो ऊपर 215 के आसपास का हर्डल है जिसको क्रॉस करना है, तभी जा कर के वो 250 के आसपास आपको नजर आएगा। और दोस्तों 250 का लेवल ऐसा है, मेक या ब्रेक का लेवल है। अगर 250 के ऊपर निकला
तो हमें ऊपर बहुत हायर लेवल देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है 400 तक के भी लेवल आएंगे जब 250 को डिसाइसिवली तोड़ेगा तो। अदरवाइज 250 को फिर से टच करके, जैसे कि यहाँ दो बार नीचे आया है, यहाँ पे देखिए एक बार, उसके बाद यहाँ पे का दो बार टच करके नीचे आया है तो फिर से आएगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग रखनी है तो 250 के लेवल को वेट कीजिए, उसके ऊपर निकलता है तो ही आप यहाँ पे मान ले या। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए 190 के नीचे इस लेकर के यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस में पोजिशन बनाने का बढ़िया मौका है। आप यहाँ पे पहला टारगेट 215 और 250 का लेकर के इसमें प्ले कर सकते हो। आरएसए का लेवल 36 का है, तो आरएसए का लेवल हाल में तो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है, परंतु यहाँ पे जैसे तेजी आएगी मार्केट में, रिकवरी आएगी, यहाँ पे आरएसए का लेवल ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी कंडक्ट करिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूँगा, जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करेगा तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।